नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आयुष कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्रोविजन। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत का महान्यायवादी सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है वो बोला जाता है। वो सरकार की पैरवी करता है, सरकार के जितने भी हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मुकदमे की पैरवी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका जिक्र आर्टिकल 76 जिसमें अटॉर्नी जनरल क्या है उसके बारे में जानकारी है, आर्टिकल 88 जो राइट्स क्या है अटॉर्नी जनरल के बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में और कमेटीज में, और आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी अटॉर्नी जनरल की क्या है पावर उसके बारे में जानकारी है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री ये बोला जाता है उनको। प्राइम प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल और उनकी योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उसके बराबर उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और वो अपना ऑफिस है जब तक रहेंगे जब तक ही प्रेसिडेंट चाहेंगे, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं वो, और जब तक केंद्र सरकार का उनमें विश्वास है तब तक रहेंगे। वो प्रेसिडेंट को त्याग पत्र दे सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन अगर उनको देना है तो प्रेसिडेंट को देंगे। और आमतौर पर क्या होता है कि जैसे ही कोई मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होती है, सरकार चली जाती है, नई सरकार आती है, तो नई सरकार के साथ में ही अटॉर्नी जनरल फिर नए अपॉइंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम में रिजाइन कर देता है। उसकी जो विचारधारा होती है सरकार की, उस सरकार का जो विश्वास होता है वो पुराने वाली सरकार में था, अब नए सरकार अपने हिसाब से कोई अपॉइंट करेगी। तो इस तरह की हमेशा प्रोविजन रहा है। अटॉर्नी जनरल है उसकी सैलरी जैसे राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं उसके अनुसार होती है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होती। उसकी ड्यूटी क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर देता है लीगल मैटर्स में, या राष्ट्रपति उनको कोई मैटर रेफर करते हैं उस मामलों में, टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ द लीगल करेक्टर। और कोई भी ड्यूटी है जो कि इसका करेक्टर लीगल है, मतलब कि अगर कोई राय लेनी है प्रेजिडेंट को जिसमें कि लीगल से चाहिए, तो इस तरह की असिस्ट करेंगे वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी असिस्ट करेंगे। To discharge the function conferred on him by the constitution or any other law, अगर उनको to discharge the function संविधान के मुताबिक अगर और कोई भी काम उनको दिया जाता है तो वो काम भी वो करेंगे। Duties and function of attorney general की अगर हम बात करें, President has assigned the following duties to the attorney general, कौन कौन सी duty है attorney general को दी गई है President द्वारा। To appear on behalf of the government of India in all cases in the Supreme Court इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट में वो अपीयर होंगी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाई द प्रेजिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस अगर प्रेजिडेंट कोई मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, एक इसमें से उस रेफरेंस को बेटर डिस्कशन में हेल्प करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस मांगना है प्रेजिडेंट द्वारा, वो अंडर आर्टिकल 143 के तहत आता है। क्या है उसमें 143 के तहत, कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह कर सकते हैं प्रेजिडेंट। टू अपियर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाई कोर्ट के साथ भी अगर कोई मामला चल रहा है किसी मुद्दे पे, हाई कोर्ट में पेशी होनी है किसी मुकदमे की, तो वहाँ पे भी वो अपियर होंगे। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी अटॉर्नी जनरल है वो देश के सभी कोर्ट्स में जितने भी कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे उनका उनका राइट होता है, वो राइट ऑफ ऑडियंस के रूप में बैठ सकते हैं। ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या तो ज्वाइंट सिटिंग होती है या दोनों हाउसेज में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और एक ये उनके पास राइट होता है। किसी जो कमेटी होती है पार्लियामेंट की वहाँ पे भी वो मेंबर भी हो सकते हैं और वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बट वो वोट नहीं डाल सकते, सारे काम वो एमपी कर सकते हैं लेकिन वो एमपी की तरह वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वो मेंबर नहीं है। इसके अलावा वो सारी प्रिविलेजेस है, इम्यूनिटी वो एंजॉय करते हैं जो कि एमपी को मिलती है वो वाली। लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन अटॉर्नी जनरल, एक तो ये है कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पार्टी है वो उसके खिलाफ में कहीं ना कहीं वो एडवाइस न करे, मतलब गवर्नमेंट में उसका विश्वास होना चाहिए, गवर्नमेंट के खिलाफ वो कोई काम नहीं करे। ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ इन केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज और अपीयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो उसके खिलाफ किसी को भी एडवाइस नहीं करे। ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन, अगर देखो जो अटॉर्नी जनरल होता है
वो एक दूसरे वकील की तरह भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है जैसे दूसरे लड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि वो टेम्परेरी है, पार्ट टाइम है किस्म से, और वो परमानेंट सर्वेंट नहीं है गवर्नमेंट का, तो लेकिन वो ऐसे मुकदमों में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जहाँ पे होता है उसमें बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो केस नहीं लड़ पाएंगे। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन, उसमें कोई बिना गवर्नमेंट की परमिशन के डायरेक्टर या वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नहीं एक्सेप्ट कर सकते कोई इस तरह के अपॉइंटमेंट। अटॉर्नी जनरल है वो फुल टाइम काउंसिल नहीं है जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको नहीं माना जाता, इसलिए उनको जो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस है उससे वंचित नहीं किया जा सकता, उनसे रोका नहीं जा सकता, वो कर सकते हैं। अब आ जाता है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए उसके नीचे दो सोलिसिटर जनरल होते हैं, चार एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं जो कि अटॉर्नी जनरल को की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में उनकी मदद करें। ओनली द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज क्रिएटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो संविधान में अटॉर्नी जनरल का नाम है, बाकी इसको सपोर्ट करने के लिए ये बनाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट, देयर इज सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर द लीगल मैटर एट द गवर्नमेंट लेवल। अगर कोई मामला लीगल से आ रहा है और गवर्नमेंट के लेवल पे आ रहा है तो वो जो सेपरेट मिनिस्ट्री या लॉ मिनिस्टर होंगे उसी के लेवल पर डील होगा, और अटॉर्नी जनरल को कैबिनेट का मेंबर नहीं होता। अब आता है राज्यों में होता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है। आर्टिकल 165 के तहत की होता क्या है, ये 177 के तहत इनके राइट क्या है, और 194 के तहत क्या कि इनके पास प्रिविलेजेस और पावर क्या है। देखो जैसे कि अटॉर्नी जनरल देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, राज्यों में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और वो उसकी क्वालिफिकेशन जो एक जज ऑफ ए हाई कोर्ट उसको बनने के लायक वो होना चाहिए, और वो अपने ऑफिस में जब तक रहेगा जब तक प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो राज्य की सरकार चाहेगी, दूसरे शब्दों में अगर सही बोला जाए तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर यह टर्म यूज किया जाता है। अगर उनको रिजाइन करना हो तो गवर्नर को रेजिग्नेशन देंगे। रेमुनरेशन होता है हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल की, वो फिक्स नहीं है, इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो गवर्नर समय समय पर ये डिसाइड करते हैं क्योंकि वो भी फुल टाइम में सर्वेंट नहीं होता। हिज ड्यूटीज आर, इसकी ड्यूटी क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस करना होता है विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। इसके अलावा भी अगर गवर्नर को लगता है किसी और ड्यूटी जो लीगल है करेक्टर में उसको करवानी है तो वो उस तरह की ड्यूटी को दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी संविधान में अगर कोई ऐसी चीज और की जाती है जो कि लीगल से रिलेटेड है मामला, वो फंक्शन भी वो डिसाइड करेंगे। इनके अधिकार क्या हैं कि वो इन हिज परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, एडवोकेट जनरल होता है वो एनी लॉ इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो राज्य में कोई भी जो कोर्ट होता है जो कि कानून से संबंधित है उस राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में उनके सामने वो अपीयर हो सकते हैं, उनके पास राइट है भाग लेने का स्पीकिंग के लिए, और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस, जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा विधानसभा और विधान परिषद उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हालांकि वो मेंबर नहीं होते इसलिए उनको वोट देने का राइट नहीं होता। जैसे एमएलए के पास प्रिविलेजेस होती है स्टेट लेजिस्लेचर में, वैसे ही प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज है वो उनके पास भी होती है, विशेष अधिकार एडवोकेट जनरल के पास भी होगा। अब आता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हमने अभी तक डिस्कशन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अब ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हो सकती है, स्टेटरी बॉडी भी हो सकती है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो स्टेटरी बॉडी है, मतलब कि उसका संविधान में अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये एक्ट से पार्लियामेंट में ये जो एक्ट होता है उसके माध्यम से ये बनी होती है ये बॉडी, जो हम लोग अभी आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो भी एक इसी तरह की बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई है, महिलाओं के एक जो सेफ गार्ड होते हैं उनको करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में ये बना था, 31 जनवरी 1990 ये एक्ट का नाम है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, और ये
बना था 31 जनवरी 1992 को, जिससे कि महिलाओं के जो इंटरेस्ट है, राइट है, उसको सेफ गार्ड किया जा सके, उसके सुरक्षा के उपाय उपाय किए जा सके। अब आ जाता है कि इसमें होता कौन कौन है। तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा कमिटेड टू द कोज ऑफ मेन, जो कि कमिटमेंट होगी महिलाओं की, जो प्रतिबद्ध होगी महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध होना इसमें जरूरी है, और वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। 5 मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, एबिलिटी वाले होने चाहिए, पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, दे शुड हैव एक्सपीरियंस इन लॉ और लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियनिज्म, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, पोटेंशियल ऑफ वुमेन, वुमेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग वुमेन एक्टिविस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर, इन सारे चीजों में उनके पास है ये एबिलिटी होनी चाहिए। ए मेंबर सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सोशियोलॉजिकल मूवमेंट। तो एक उनके पास में जो 5 मेंबर बॉडी है, चेयरमैन है, इनके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, और वो एक्सपर्ट होना चाहिए सोशियोलॉजिकल मूवमेंट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर वो क्या हो, और ऑफिसर होना चाहिए, सिविल सर्विस आईएएस ऑफिसर होना चाहिए यूनियन में, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में होना चाहिए, होल्ड सिविल पोस्ट अंडर यूनियन विद अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी, उनके कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मेंबर सेक्रेटरी है बनेगा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिमूव चेयरपर्सन, इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, पद से हटाया कैसे किया जा सकता है, अगर वो अपनी ड्यूटी को, अगर वो दिवालिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मुक्त दिवालिया बन जाता है, इंसॉल्वेंसी के मामले पे इनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगर उनको किसी कारण से सजा हुई है मेंबर को या चेयरपर्सन को, दोनों की बात चल रही है यहाँ पे, तो और ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि उन्होंने जो मॉरल राइट होता है उसको खो दिया है, तो नैतिक जो अगर उसमें विश्वास नहीं रहा, नैतिकता पे उस पर शक है, तो उनको हटाया जा सकता है। अनसाउंड माइंड, कि उसका काम है वो अस्वस्थ मन है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपने आप को घोषित, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते कोर्ट में या पब्लिक में, और कोर्ट ने उनको ऐसा डिक्लेयर कर दिया अनसाउंड माइंड, तो उनको हटाया जा सकता है। रिफ्यूजेस टू एक्ट और बिकम्स इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग, अपना काम करने से या तो उन्होंने मना कर दिया हो या काबिलियत नजर नहीं आती, असमर्थ माना जाएगा उनको, तो हटाया जा सकता है, या फिर वो बिना इजाजत के छुट्टी पे चले जाते हैं फ्रॉम द, और या फिर एबसेंट हो जाते हैं 3 कंजक्टिव मीटिंग में, तो कमीशन उनसे उनको हटाया दिया जाएगा। इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अब्यूज द पोजिशन ऑफ चेयरपर्सन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में चेयरपर्सन ने अपनी पौधे का दुरुपयोग किया है, तो उनको हटाया जा सकता है, मेंबर को भी ऐसे हटाया जा सकता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है। हालांकि पर्सन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उनको सुनने की अपॉर्चुनिटी जरूर दी जानी चाहिए। फिर आ जाता है पावर क्या इसकी, कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर शैल हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट की, उसके पास पावर होगी सिविल कोर्ट में जैसे पावर होती है उसके पास, ट्राइंग टू सूट इन पर्टिकुलर रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, क्या कि वो किसी को समन कर सकते हैं और अटेंडेंस इन्फोर्स कर सकते हैं इंडिया में किसी से भी कहीं पे भी, और उसकी जो कथनी है उसकी वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसकी वो जांच कर सकते हैं। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, उनसे जो कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी इंसान से वो कोई डॉक्यूमेंट उनको चाहिए है या कोई फिर कोई सबूत इकट्ठे करने हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस, और वो एविडेविट पे हलफनामा भी ले सकते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड और कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है वो मांग सकते हैं, कोर्ट से भी मांग सकते हैं, कॉपी मांग सकते हैं कोर्ट से भी क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर केस पे। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर प्रिस्क्राइब मैटर, विटनेस के लिए डॉक्यूमेंट के लिए वो कमीशन है वो इनको आदेश दे सकते हैं, और कोई भी मैटर है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है इनको दिया जा सकता है। इनके पास फॉर्मेशन ऑफ कमेटी का जहाँ तक सवाल है, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वो उनको अलाउड है स्पेशल कमेटी वगैरह बनाना कहीं किसी मामले पे, और वो अपना फंक्शन कमेटी के माध्यम से कर सकते हैं।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शैल हैव द पावर टू हैव आउटसाइड पीपल, अगर कमेटी में वो बाहर से कोई बंदा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं इस तरह कमेटी में। कमेटी और कमीशन और कमेटी देयर ऑफ शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी एट सच टाइम एंड प्लेसेस एज द चेयरपर्सन मे थिंक फिट, जहां जहां पे प्रेजिडेंट को लगता है चेयरपर्सन को लगता है कि मीटिंग होने की जरूरत है तो कमीशन और कमेटी है वो मिले। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑल मैटर रिलेटेड टू द सेफ गार्ड प्रोवाइड फॉर वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज, संविधान ने या दूसरे जो कानून ने महिलाओं को सेफ गार्ड दिए हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, कहीं उसको प्रॉपरली सेफ गार्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे, और वो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करते हैं समय समय पर या फिर एनुअली तो होती है। मेक इन सच रिपोर्ट रिकमेंडेशन की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है इन सेफ गार्ड का कैसे हो सकता है, महिलाओं की स्थिति को बेटर किया कैसे किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, वो अपनी रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट के माध्यम से वो देते हैं। रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ अफेक्टिंग वुमेन एंड रिकमेंड अमेंडमेंट देयर टू सो एज टू सजेस्ट रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर टू मीट एनी शॉर्टकमिंग इन सच लेजिस्लेशन, अगर किसी कानून में कोई कमी नजर आ रही है तो वो इस तरह के सजेशन रिव्यू कर सकते हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रोविजन में उनको कैसे बेटर किया जा सकता है बता सकते हैं। टेक अप द केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन, अगर संविधान से रिलेटेड कोई या किसी लॉ से रिलेटेड है वो वायलेशन हो रहा है महिलाओं के प्रति में तो वो इस तरह के केसेस को उठा सकते हैं, उस तरह केस की सुनवाई कर सकते हैं। तो ये था, इसके अलावा इंस्पेक्ट और वो जो जेल होती है क्योंकि महिलाओं जेल में कई बार जाना पड़ता है चली जाती हैं किसी अपराध की वजह से, लेकिन वहां पे उनकी सिचुएशन कैसी है, वहां पे क्या वो उनकी कस्टडी है वो प्रॉपर है या नहीं है क्या, या फिर राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, तो इस तरह की जो अथॉरिटी है उनसे वो मेजर ले सकती है, उनसे संज्ञान ले सकती है और उसका प्रॉपर एक्शन लिया जा सकता है। मेक पीरियोडिकल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू वुमेन, एनी सच मैटर रेफर टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको वो मैटर रेफर करती है तो उनपे वो रिपोर्ट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कोज ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा में जो रिपोर्ट होती है कमीशन की और रिकमेंडेशन होती है, अगर वो रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानी गई है उसके पीछे मेमोरेंडम है वो देना होता है जिससे कि महिलाओं के जो भी अधिकार है उनकी सुरक्षा की जा सके। सिमिलरली रिपोर्ट रिलेटेड टू एनी मैटर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई मामला है तो स्टेट लेजिस्लेचर में रिपोर्ट रखी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।